स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप गैस पे मैं एक पतीली रख दूँगी और जो इसके अंदर मैं डाल दूँगी दूध। और जो ये दूध 1 लीटर दूध है, तो इसे हम इसमें पतीली में डालकर और इसे बॉयल करेंगे और चलाते हुए हमें बॉयल करना है इसे। तो आप देख सकते हैं और इस तरीके से हमें चलाते रहना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। तो अभी दूध बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चीनी। और फ्रेंड्स, ये 1 लीटर दूध है, तो इसमें हम 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1 कटोरी हमने चीनी ऐड किया और फिर मैं ये दूसरी कटोरी भी ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये 2 कटोरी चीनी हमने इसमें डाल दिया है और ग्राम से 300 ग्राम चीनी है। तो कंडेंस मिल्क हम बना रहे हैं 1 लीटर दूध का, तो 1 लीटर में हमने 300 ग्राम चीनी ऐड कर दिया है और इसे कंटिन्यू मैं चला रही हूँ। जब तक इसका चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं चलाती रहूँगी इसे। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लग गया है चीनी डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से चलाते हुए हमें पकाना है दूध को। और चीनी मेल्ट हो चुका है, तो जब तक ये हाफ ना हो जाए तब तक हमें चलाते रहना है। हर 2 मिनट में, 1-1 मिनट में हमें इसे चेक करते रहना है। और आप देख सकते हैं और ये हाफ हो चुका है और इसे और भी मैं पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसी तरीके से हमें चलाते हुए दूध को पकाना है। और इसका कलर और थिकनेस देख रहे हैं आप, ये गाढ़ा होते जा रहा है और जो यहाँ पे कलर भी चेंज हो चुका है इसका। तो इस तरीके का थिकनेस करना है, थोड़ा सा और इसका थिकनेस चाहिए हमें। तो ये देख सकते हैं अब हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी और गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ये जम जाएगा। तो इस तरीके का लिक्विड हमें रखना है। अब इसी गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलाते हुए हमने इसे पकाया है। अब यहाँ पे 2 चुटकी हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, खाने का जो सोडा होता है, और इसे भी अच्छा से हम चला के मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें झाग आ चुका है। तो ये झाग चला ख़त्म हो जाएगा हम चलाते हुए इसे। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरीके चलाते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं अब कम हो चुका है, अभी ये झाग बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से हट जाएगा इससे। तो हमें इसे चलाते हुए झाग को ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं झाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो सोडा का झाग आया था वो। और इस तरीके से हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। और हमेशा हमें इसमें जब सोडा हम डालेंगे तो गैस ऑफ़ करने के बाद ही हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने ठंडा कर लिया है फ्रेंड्स, गैस हमने बंद कर दिया था और ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम रख देते हैं किसी डब्बे के अंदर। और फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ में इसे इस तरीके से रख के और पैक करके 2 से 3 महीने तक किसी मिठाई, आइसक्रीम, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है और आप देख सकते हैं कितना जल्दी तैयार हो चुका है कंडेंस मिल्क बनके। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। कभी भी आपको मिठाई या आइसक्रीम के लिए चाहिए कंडेंस मिल्क, तो आप घर पे बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत इजी रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। थैंक यू।